Hello student, in today's lecture I am going to solve a code question related to triangles. This question is given as question 13 in exercise 6.3 of class 10th. Question says D is a point on the side BC of triangle ABC, says that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB into CD. चलिए सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC. इसमें हमें दिया है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, यानी BC पर कोई पॉइंट D आ रहा है. A को D से ज्वाइन कर लेते हैं. इसके अलावा हमें दिया हुआ है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल ADC यानी ये वाला एंगल. एंगल BAC, BAC हमें मिलेगा BAC यानी ये एंगल A पूरा. अब ये दोनों एंगल्स हमें इसमें इक्वल दिए हुए हैं. मान लीजिए ये अगर x है तो ये वाला भी x रहेगा. चलिए गिवन लिख लेते हैं. ट्राइंगल ABC गिवन है. एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC. लेट्स से दीज आर इक्वल्स टू x. देन वी हैव टू शो दैट टू शो सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी. अब इस रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. इसको यहाँ अलग से समझ लेते हैं. सी ए स्क्वायर हमें दिया है सी बी इंटू सी डी. ये हमें प्रूफ करना है. पहले इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं. सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी. क्या करें, इस सी ए के नीचे बी सी को ले आते हैं और इस सी डी के नीचे इस सी ए को ले आते हैं. तब भी हमें सेम रिजल्ट आएगा. अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी. यानी दूसरे मायने में हम कह सकते हैं कि अगर हम इस रिजल्ट को इस तरीके से अगर हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों पार्ट मेरे इक्वल आ जाएँ, देन वी कैन ईजिली प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. सोल्यूशन. अब सवाल ये आता है कि हम कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करें ताकि हमारे पास ये रिजल्ट दिखाई दे. ए सी इंटू ए सी बराबर आए सी बी इंटू सी डी. इसका तरीका ये रहेगा कि हम इस सी ए के नीचे इसको पुट कर देते हैं सी ए अपॉन सी बी और इस सी डी के नीचे इस सी ए को रख देते हैं. अब इसका फ़ायदा ये रहेगा कि हम इसके कंक्लूजन से ये रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि हम कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करें ताकि उन दोनों ट्राइंगल्स की ये प्रोपोर्शनल साइड्स आ जाएं और उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा. इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है और मैंने आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन को इसीलिए शामिल किया है. चलिए अब यह आ रहा है सी दो बार. इनमें से एक सी को हटा देते हैं तो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सी ए डी. सी ए डी देखते हैं कहाँ है. सी ए डी यानी ये ट्राइंगल. नीचे मिल रहा है सी बी सी ए. यहाँ पर भी सी दो बार इन्वॉल्व हो रहा है. इसको एक बार पढ़ लेते हैं यानी सी बी ए. सी बी ए मिलेगा मुझे सी बी ए यानी ए बी सी ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं. अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो इट मीन्स वी कैन इजीली प्रूव आवर रिक्वायर रिजल्ट. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों में एंगल सी कैसा आ रहा है. एंगल सी आ रहा है कॉमन. एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन एंगल फॉर वो ट्राइंगल. अब दिया क्या था हमें. हमें दिया था इस ट्राइंगल का बी ए सी बराबर है इस ट्राइंगल के ए डी सी के साथ. एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू है एंगल ए डी सी. ये हमने एक्स सपोज किया था ठीक है. और ये क्वेश्चन में हमें गिवन था. इट इज़
गिवन टू अस। अब दो ट्राइंगल्स के दो दो एंगल इक्वल आ गए, इट मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई ए ए क्राइटेरिया। चलिए नेमिंग सही रख लेते हैं, दोनों तरफ सी कॉमन आ रहा था तो एंगल सी लिख लेते हैं। अब इसका वर्टेक्स आ रहा है ए और इसका वर्टेक्स आ रहा है डी, तो इस तरह लिख लेते हैं ए और इधर लिख देते हैं डी। इसका क्या बचा हुआ पार्ट मिला, इसका बचा हुआ रह गया बी सिमिलर। इसका छोटे वाले का क्या रह गया, सी डी ए यानी ए लिख लेते हैं बाई ए ए क्राइटेरिया। जब नेमिंग सही हो गई तो इसके जो रेशियोज आएंगे वो भी करेक्ट आएंगे। चलिए उसको लिख लेते हैं ए सी या सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। सी बी इज इक्वल्स टू सी ए। अब हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो इस पार्ट को छोड़ करके इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये देगा मुझे सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू सी बी, हैंस वी हैव फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो स्टूडेंट, इन टूडेज लेक्चर आई हैव सॉल्व्ड ए गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर।